अस्सलाम वालेकुम, लेवल टू, हाउ आर यू? टुडे विल स्टार्ट आवर ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन। ओपन यूर पेज नंबर 77। ये हम स्किप कर रहे हैं, इसको हम बाद में करेंगे। आज जो हमारा पेज नंबर है वो है 78। 7 मई 2020। रिमेंबर द डिवीजन साइन। डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेवल टू में आपको ये बताऊं कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट कैसे है, यहाँ पे हमें वो पिक बता रहे हैं, पिक से हमें इतना क्लेरिफाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। जैसे कि नंबर्स, फैमिलीज फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, मीन 1, 2, 3, 1, 2, 3 के ग्रुप्स बनाए हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 4 ग्रुप बने हुए हैं, और ग्रुप में कितने बीट्स हैं, 3, 4 3s are 12। या उन्होंने क्या कर दिया, 4, 3 ग्रुप्स बना लिए हैं और उसमें बीट्स कितने बना दिए, 4, 3 4s are 12। तो अब यहाँ पे क्या है कि 4 3s are 12, 3 4s are 12। अब यहाँ पे हम डिवीजन में आते हैं, 1, 2, 3 कितने, एक बॉक्स में 3 बीट्स हैं, कितने ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं, 4। अब जैसा कि लेवल टू हम क्या करते थे कि जब मल्टीप्लीकेशन करते थे हम 4 फिंगर ओपन करते थे और 3 का टेबल पढ़ते थे, 3 1s 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो हम अपनी फिंगर क्लोज कर लेते हैं, और हम 3 का टेबल जब पढ़ेंगे, 3 1s 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो हमारी कितनी फिंगर ओपन हुई है, 4। तो आंसर हमारा क्या आया, 4। जैसा कि हम ऑपोजिट का बता रहे हैं तो यहाँ पे हम अपनी फिंगर मल्टीप्लीकेशन में पहले ओपन कर लेते हैं और साथ टेबल पढ़ते हैं, लेकिन डिवीजन में क्या है, अपनी फिंगर क्लोज करके टेबल पढ़ते हैं तो साथ साथ फिंगर ओपन करते जाते हैं, और जहाँ हमारा आंसर आता है तो वहाँ स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ आपको ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम अपने पार्ट ए की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, नाउ राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे क्या है, 6 4s are 6 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, 6 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। तो यहाँ हमारा आंसर आया 24। और अगर हम 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 24, क्योंकि सेम नंबर है तो सेम आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि यहाँ डिवीजन है तो यहाँ हमारे पास 24 डिवाइड नंबर नहीं है, तो हम जो हमारे पास आंसर होगा उसका टेबल पढ़ लेंगे, अपनी फिंगर क्लोज करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन में फिंगर ओपन रखते हैं लेकिन डिवीजन में क्लोज करके रिलेटेड नंबर से टेबल पढ़ते हैं, 6 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। अब जहाँ 24 आया तो हम स्टॉप हो जाएंगे। अब अपनी फिंगर देखेंगे कितनी ओपन हुई है, 1, 2, 3 and 4, यहाँ आएगा 4। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ 24 डिवाइड बाय डैश है, तो यहाँ पे देखिए हमारा डैश था और 6 का हमने टेबल पढ़ा तो हमारा 4 आंसर आया, क्योंकि हमारा ये नंबर सेम है, यहाँ 24 है तो यहाँ पे भी 24 है, तो हमारा 6 4s are 24 हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, 4 6s are 24 होगा, तो यहाँ आंसर क्या आया, 6। क्वार्टर लेवल टू, इसकी आपको समझ आ गई। आपने पार्ट ए डन हो गया, बी सी और डी आपने डन करना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।